हेलो दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, अर्थात आपको ये देखना है कि यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द उपयोग होगा अथवा नहीं होगा। मीन्स यू हैव टू यूज ओनली डेफिनेट आर्टिकल एंड जीरो आर्टिकल। देखिए, सबसे पहले ब्लैंक यंगेस्ट बॉय, यंगेस्ट बॉय, यंगेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। मीन्स हमने इसको डेफिनेट बना लिया है कि सुपरलेटिव सबसे छोटा, तो जब डेफिनेट है इट मीन्स हियर वी विल यूज द आर्टिकल। द यंगेस्ट बॉय हैज जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू ब्लैंक स्कूल। स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है, उस पर डेफिनेट कोई तो बात ही नहीं है। तो हमारा यहाँ पर जीरो आर्टिकल यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज होगा। सिमिलरली यहाँ पर आइए, जब यहाँ पर यंगेस्ट बॉय था तो यहाँ पर एल्डेस्ट बॉय है, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर भी द यूज होगा। इज एट कॉलेज, हियर द सेम केस विद कॉलेज एज वाज इन स्कूल, तो हियर वील यूज जीरो आर्टिकल, मीन्स नो आर्टिकल विल बी यूज हियर। सेकेंड में आइए, सी लिव्स ऑन टॉप फ्लोर, मीन्स डेफिनेट है, निश्चित है, कहने से पता चल जाता है कि सबसे ऊपर वाली मंजिल की बात कर रहे हैं। सो हियर वी विल यूज द टॉप फ्लोर ऑफ एन हाउस व्हेन विंड ब्लोज, मतलब हवा तेज चल रही है, तो हवा, हम डेफिनेट हवा, आराम से बहने वाली हवा की बात नहीं कर रहे हैं, उस हवा की बात कर रहे हैं जो हवा तेज चलती है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डेफिनेट आर्टिकल। ऑल ब्लैक विंडोज रेटल, रेटल मतलब हिलना, जब तेज हवा चलती है तो खिड़कियां खड़कती हैं, तो उसको हम रेटल बोलते हैं। तो कहाँ की विंडोज, उस टॉप फ्लोर की, मीन्स हम डेफिनेट विंडोज की बात कर रहे हैं, किसी विंडो की बात नहीं कर रहे हैं। तो हियर वी विल यूज द विंडोज। डार्कनेस, अंधेरा कोई भी हो सकता है, घन अंधेरा, अधूप अंधेरा, कैसा भी अंधेरा, तो ये डेफिनेट नहीं है, हियर वी विल यूज जीरो। कैट्स, कोई भी कैट्स, जीरो आर्टिकल। कैट्स कैन सी, किस कैट की बात कर रहे हैं, किसी भी कैट्स की बात कर रहे हैं, मीन्स दिस इज नॉट डेफिनेट। इन डार्क, अंधेरे में, हियर डार्क इज डेफिनेट, सो द विल बी यूज्ड। फोर्थ, माय लिटिल बॉय सेज दैट दे वांट टू बी ब्लैंक स्पेसमैन। स्पेसमैन मीन्स एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट या अंतरिक्ष यात्री। तो अंतरिक्ष यात्री कोई भी बनता है, कोई भी, कुछ जॉब है, जॉब कोई डेफिनेट, जैसे टीचर है डेफिनेट तो नहीं है। सो हियर जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड, बट मोस्ट ऑफ देम विल प्रोबेबली विल एंड अप इन लेस ड्रामेटिक जॉब, किसी भी छोटे मोटे नौकरी में आ जाएंगे। तो छोटा मोटा नौकरी इनडेफिनेट, देयर इज नो मैटर ऑफ डेफिनेट, सो जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड। अगले सेंटेंसेस देखिए, इसमें देखिए पूछा है डू यू नो ब्लैंक टाइम, मीन्स उस खास, उस स्पेसिफिक टाइम के बारे में पूछना चाह रहा है जो उसमें हुआ है। तो यहाँ पर ये किसी भी जनरल टाइम की बात नहीं कर रहा है, ये डेफिनेट टाइम की बात कर रहा है। सो हियर वी विल यूज द आर्टिकल। यस, क्लॉक इन हॉल, मीन्स जो हॉल में घड़ी लगी हुई है उसमें हैज जस्ट स्ट्रक 9, अभी 9 बजे है। तो यहाँ पे क्लॉक, कौन सी क्लॉक, जो हॉल में लगी हुई है, तो मतलब ये भी स्पेसिफिक है और ये भी स्पेसिफिक है, दैट्स व्हाई डेफिनेट आर्टिकल विल बी यूज्ड। देन इट इजंट टाइम टू गो येट, अच्छा तो अभी तो समय नहीं हुआ है जाने का, कहीं जाना होगा, तो यहां पर ये जो समय है इनडेफिनेट है, अभी समय नहीं हुआ है जाने का, काम पे जाना हो सकता है या किसी खास काम के लिए कहीं जाना होगा, तो वो पर रहे कि अभी जाने का समय नहीं हुआ है, अभी तो 9 ही बजे है। सो हियर नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, जीरो आर्टिकल। सी द सेकंड सेंटेंस, आई एम ऑन नाइट ड्यूटी, तो नाइट ड्यूटी तो रोज लगती है, तो कोई स्पेशल कार्य तो है नहीं, सो हियर दिस इज जीरो आर्टिकल। व्हेन यू गो टू बेड, जब आप सोने जाते हैं, तो आदमी तो रोज सोने जाता है, या कोई भी रोज सोने जाता है, कोई खास कार्य तो कर नहीं रहा है, सो हियर जीरो आर्टिकल।
आई गो टू वर्क, मैं काम पे जाता हूँ, जब आप सोने जाते हैं तो मैं काम पे जाता हूँ. सो ये अगेन दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक वर्क, दिस इज जनरल वर्क, सो जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड. नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, ब्लेंड फैमिली होटल्स. फैमिली होटल कोई भी होटल फैमिली होटल हो सकता है, कोई स्पेशल तो है नहीं, तो जीरो आर्टिकल आर होटल्स. इन जनरल सभी होटल्स हो सकते हैं फैमिली होटल, सो ये अगेन जीरो आर्टिकल. दिस इज द केस ऑफ जीरो आर्टिकल विच वेलकम पेरेंट्स. कोई भी पेरेंट, कोई खास पेरेंट की बात तो हो नहीं रही है, सो हियर जीरो आर्टिकल. एंड चिल्ड्रन, अगेन चिल्ड्रन कोई भी चिल्ड्रन, सो जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर. आगे देखते हैं और सेंटेंसेस. अगला सेंटेंसेस तो आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें हम शुरुआत करते हैं पहले से. ऑन संडेज, इस संडे को न तो प्री डिटर्मिनर से और न ही पोस्ट डिटर्मिनर से मॉडिफाई किया है. मीन्स ये जनरल संडेज जो रोजमर्रा के तीन टाइप से संडे आते हैं, हर संडे को ही काम करते हैं. मीन्स ये स्पेशल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा जीरो आर्टिकल आएगा. माय फादर स्टेज इन बेड. बेड बिस्तर सबके यहाँ होता है, कोई स्पेशल बिस्तर की बात तो नहीं हो रही है, तो हियर विल यूज जीरो आर्टिकल. टिल 10 o'clock रीडिंग संडे पेपर्स. कौन से पेपर? संडे का पेपर. मीन्स यहाँ पे हम डेफिनेट पेपर की बात कर रहे हैं, सो हियर डेफिनेट आर्टिकल द विल बी यूज्ड. नेक्स्ट, देन ही गेट्स अप, पुट्स ऑन ओल्ड क्लॉथ्स. पुराने पहने हुए कपड़े, नए कपड़े नहीं निकालते, पहना हुआ कपड़ा जो यूज किया हुआ कल का वो निकालता है. मीन्स ये कोई स्पेशल नहीं है, पुराने कपड़े तो सबके पास सब पहनते हैं. सो हियर जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड हैज ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट सब करते हैं, कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट यहाँ पे प्री मॉडिफाइड और पोस्ट मॉडिफाइड तो क्या नहीं है. सो हियर जीरो आर्टिकल. एंड स्टार्ट्स वर्क, काम शुरू करते हैं, कोई स्पेशल काम तो नहीं बताया गया है. सो हियर जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड इन गार्डन. कहाँ पर? गार्डन पे. मीन्स गार्डन के बारे में बता रहे हैं, उस प्लेस के बारे में बता रहे हैं कि द प्लेस इज गार्डन. सो हियर द डेफिनेट आर्टिकल विल बी यूज्ड. नेक्स्ट, माय मदर गो टू चर्च. चर्च किसी खास चर्च के बारे में तो बात नहीं हो रही, चर्च के बारे में बात हो रही है. सो हियर जीरो आर्टिकल. इन द मॉर्निंग, द मॉर्निंग सुबह, सुबह ही जाती है. जो समय बताया जा रहा है वो कौन सा समय है? मॉर्निंग का. सो हियर मॉर्निंग इज डेफिनेट, सो डेफिनेट आर्टिकल विल बी यूज्ड. एंड इन द आफ्टरनून, कब समय? समय इज आफ्टरनून, मींस टाइम इज आफ्टरनून. सो टाइम हियर इज मेंशन्ड एंड दैट इज द आफ्टरनून, सो डेफिनेट आर्टिकल विल बी यूज्ड. गोस टू विजिट फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलने जाते हैं, तो दोस्त कोई स्पेशल दोस्त तो नहीं होता रहा, सो जनरल टर्म की बात हो रही है, सो हियर जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड. लाइक मेनी वुमेन सी लव्स टी पार्टीज. टी पार्टी मींस जनरल टर्म है, सो जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड. एंड गॉसिप, गॉसिप इज अगेन हियर बातचीत करना, गप मारना, गप्पे सड़ाके लगाना, तो हियर दिस इज जनरल टर्म, देर इज नो स्पेसिफिक थिंग इज देयर, सो जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड. आगे हम और देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखिए. ब्लैंक मैरिड कपल्स. कपल्स तो हैं लेकिन मैरिड है, लेकिन मैरिड कपल तो दुनिया में सबको ही है लगभग, जो इसने अभी तक शादी नहीं किया उनको छोड़ के, बाकी सभी मैरिड हैं, तो कोई ये स्पेशल नहीं है, ये जनरल थिंग है. सो हियर जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड. विद चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रन की बात हो रही है, मैरिड कपल के चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन के साथ. ऑफर रेंट कॉटेजेस, कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे कॉटेज, छोटे छोटे घर रहने के लिए होते हैं, तो वो कॉटेज भी जनरल है, स्पेशल नहीं है. सो जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड. बाय सी साइड, समुद्र के किनारे का जो कॉटेज होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो समुद्र के किनारे की बात कर रहे हैं, तो हियर दिस इज डेफिनेट थिंग, सो द आर्टिकल विल बी यूज्ड. फॉर द समर हॉलीडेज, कौन सा हॉलीडेज? समर हॉलीडेज. हॉलीडेज तो है ना, उसको स्पेसिफाई कर रहा है समर एडजेक्टिव ग्रुप में, तो यहाँ पे स्पेशल है, दैट्स व्हाई हियर द विल बी यूज्ड.
मैन, अब कौन सी मैन जो यहाँ पे मैरिड कपल के मैन, सो हियर दिस इज डेफिनेट काइंड ऑफ थिंग, सो द आर्टिकल विल बी यूज्ड। मैन हायर बोट्स फॉर ट्रिप्स, जो वहां पे ट्रिप में घूमने घामने जाते हैं तो उसको ट्रिप ही है, सो हियर दिस इज डेफिनेट जीरो आर्टिकल विल बी यूज्ड। अलॉन्ग कोस्ट्स, कोस्ट जो समुद्र का किनारा होता है उसको, सो हियर डेफिनेट इज थिंग द आर्टिकल विल बी यूज्ड। एंड यहाँ पे चिल्ड्रन, कौन सी चिल्ड्रन जो यहाँ मैरिड कपल के साथ आके ठहरे, सो यार दोबारा फ्रेंड्स के रूप में आया है, तो अभी आपने एक बात पढ़ा है कि जब कोई भी नाउन दोबारा रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ था तो ये स्पेशल हो गया, वैसे यहाँ पे भी दोबारा हम इन चिल्ड्रन की बात करें, सो यार द आर्टिकल विल बी यूज्ड। स्पेंड द डे, कौन सा दिन भर का, द डे द डेफिनेट। ऑन बीच, बीच मतलब यहाँ पे समुद्र के किनारा, समुद्र का किनारा बीच कहलाता है, सो ये डेफिनेट इज थिंग डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा द। एंड पुअर मदर, मैरिड कपल में मैन तो इधर आ गया, तो मदर इस कपल के साथ माँ पिताजी बच्चे, तो ये माँ के होते, यहाँ पर जो मदर है पुअर मदर मीन्स थोड़ा सा उनके साथ सहानुभूति पूर्वक बात हो रही है, स्पष्ट डेफिनेट थिंग इज देयर, दोबारा रेफरेंस में आ रहा है, सो डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। स्पेंड मोस्ट, यहाँ पे मोस्ट मतलब अधिकांश, अधिकांश इसलिए यहाँ पे ये जनरल बात हो रही है, अधिकांश समय, अधिकांश समय, मोस्ट ऑफ द टाइम द डेफिनेट आर्टिकल द विल बी यूज्ड हियर। डूइंग कुकिंग एंड क्लीनिंग, खाना बनाते परोसते, तो ये द आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि खाना बनाना घर में भी करते लेकिन यहाँ करना स्पेशल पड़ रहा है, सो ये द आर्टिकल यूज्ड हियर। अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्हेन ब्लैंक टाइटैनिक, टाइटैनिक हियर यू नो द नेम ऑफ टाइटैनिक, वो शिप जो था जो डूब गया जिस पर टाइटैनिक मूवी भी बनी हुई थी उसके बारे में बात हो रही, मीन्स दिस इज डेफिनेट काइंड ऑफ थिंग, सो हियर डेफिनेट आर्टिकल द विल बी यूज्ड। वॉच क्रॉसिंग ब्लैंक अटलांटिक, तो व्हाट इज अटलांटिक, दैट इज ओशन, तो यह भी डेफिनेट है, सो हियर द आर्टिकल द अटलांटिक, द आर्टिकल विल बी यूज्ड देयर इन दैट ब्लैंक। सी स्ट्रक, सी मतलब टाइटैनिक, एन आइसबर्ग विच स्टोर अ ह्यूज होल इन हर बाउ, प्लैंक कैप्टन, कैप्टन किसका कैप्टन, टाइटैनिक का कैप्टन, मतलब कैप्टन कहने से समझ में आ रहा है कि ये वही कैप्टन है जो टाइटैनिक को शेयर करा था, तो यहां पर डेफिनेट काइंड ऑफ थिंग है, सो हियर द आर्टिकल विल बी यूज्ड। ऑर्डर्ड क्रू, कौन से क्रू, क्रू मीन्स जो जहाज में काम करते हैं उनको क्रू बोला जाता है, तो कहां के क्रू, टाइटैनिक के क्रू, मीन्स स्पेशल काइंड ऑफ थिंग हियर, definite kind of thing here, so the article will be used here। To help blank passengers, तो वही के passenger, कहाँ के, Titanic के passenger, तो ये भी passenger special हुए, definite kind of passengers हुए, so here the article will be used। Into boats, कौन से boats, जो Titanic में live boats रखे हुए थे उसकी बात हो रही है, तो ये भी definite हुआ, so यहाँ definite article use होगा। आशा है आपको इतने सारे उदाहरण से समझ में आया होगा कि कहाँ पे हमको डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, कहाँ पर नहीं करना है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।